देखिए, आपको पता है कि सावन का महीना है। सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं, जल लेकर आते हैं, पैदल जाते हैं, बिना चप्पल जूते के चलते हैं। तो जहां जहां पर भी रास्ते में ऐसा पुण्य का काम माना जाता है कि कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं, समाज द्वारा लगाए जाते हैं, और इसमें दिल्ली सरकार सहयोग करती है। आज हम कश्मीरी गेट में दिल्ली के और देश के सबसे बड़े कांवड़ शिविर में है, जहां पे 20,000 से ज्यादा कांवड़िए आते हैं। एट ए टाइम 8-10 हजार लोग तक यहाँ पर अकोमोडेट होते हैं। और जो ये सारे कांवड़ शिविर दिल्ली में है, उनमें वाटरप्रूफ टेंट का अरेंजमेंट, चाहे वो डाइनिंग टेबल्स का अरेंजमेंट, बेडिंग का अरेंजमेंट, टॉयलेट्स का अरेंजमेंट, पानी का अरेंजमेंट, एक 24/7 मेडिकल और डॉक्टर्स की टीम का अरेंजमेंट दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। पूरी दिल्ली में किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, इसी तरह से 185 शिविर पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं। तो हम जो सारी कांवड़ समितियां होती हैं, उन सबके साथ मिलकर शिव भक्तों के लिए इंतजाम करते हैं। इनसे भी पूछ लीजिए, देखिए, अगर आप भारत देश की संस्कृति देखिए तो यहाँ पे हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। और खासकर जहाँ पे धर्म की और भक्ति की बात आती है, तो चाहे लोग अलग अलग धर्मों के हों और देश के अलग अलग हिस्सों के हों, सब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, भक्ति की भावना से जुड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि देश के अलग अलग हिस्से के लोगों में तोड़ पैदा की जाए। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि अलग अलग जातियों में भेदभाव किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि अलग अलग धर्मों के बीच में भेदभाव किया जाए। क्योंकि आखिरकार अगर कोई नाम लिखेगा कांवड़ की नेम प्लेट पर, तो मान लीजिए कि कोई किसी निचली जाति का है जो कोई ढाबा चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, वहां पे जैसे कास्ट का नाम आएगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को वहां पे खाने से संकोच हो जाए। अगर किसी दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा कोई ढाबा चलाया जा रहा है, कोई खाना बेचा जा रहा है, हो सकता है कि लोगों के मन में संकोच हो जाए। जबकि भारत देश की संस्कृति ऐसी नहीं है। जब दिवाली का त्योहार होता है, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मेरे आसपास के सभी धर्म के लोग हमारे घर आते हैं, वो हमारे घर खाना खाते हैं, हमारे साथ दिए जलाते हैं। जब ईद का त्योहार है तो आसपास के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पड़ोसी हमारे मुसलमान भाइयों के घर जाते हैं, वहां पे त्योहार के समय खीर खाते हैं, सेवई खाते हैं। यही हमारी देश की संस्कृति है। और ये बहुत दुख की बात है कि धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे जातियों को, धर्मों को, देश के अलग अलग हिस्सों को बांटने की कोशिश की जा रही है।